हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज उनको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, ये सब भी बताएंगे। आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये भी बताएंगे। आज आपको किस फील्ड में नौकरी मिलेगी, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति आपकी क्या रहेगी और धन धान की क्या स्थिति रहेगी, सब आज हम आपको बताने वाले हैं। घर में किलकारी गूंजेगी या सहनाई बजने का योग है, भूमि खरीदेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये सब भी आज हम आपको बताएंगे। और विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अगले कार्यक्रम में दूंगा। आप दर्शकों से एक मेरा हार्दिक निवेदन है कि आज मैं देख रहा था वीडियो, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था लेकिन सबकी इनकम्प्लीट प्रश्न आए थे। आप कृपया करके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान जब तीनों लिखेंगे तब हम आपकी कुंडली बना करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। केवल नाम और जन्मतिथि से नहीं होगा, तो उसमें तीनों दीजिए, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले कार्यक्रम में दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपकी बहुत सारी जो चिर प्रतीक्षित योजनाएं हैं वह सफल होते हुए दिख रहा है। मान सम्मान मिलेगा और आपको का जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रहा है और आपकी कल्पनाएं भी यथार्थ रूप में बदलते नजर आ रही हैं। आपको घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नौकरी मिलेगी। मैनेजमेंट के फील्ड में आज बड़ा काम कर सकते हैं। कीमती सलाह से धन कमाने का योग बन रहा है और आज आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सोच है, जो इमेजिनेशन है वो कार्य रूप में परिणत करने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी और देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है। आयात निर्यात से धन मिलेगा। यदि शेयर में पूंजी निवेश करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, उसमें अलर्ट रहें, नहीं तो आज आपको शेयर से पैसे आपके डूब सकते हैं, तो यह ध्यान रखना है। लेखन कार्य से धन मिलेगा। यदि आप किताब लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाणी पर नियंत्रण रखें। हेल्थ वेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है और भाई बहन के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। घर परिवार में जो भी आप योजनाएं बना रखे हैं उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। कृषि होगी, भूमि खरीदने का भी योग बन रहा है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यदि आपने बहुत दिन से सोच रखा है कि आज मुझे चतुष्पथ वाहन खरीदना है तो आप कोई नई लग्जरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, उसकी खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। आज आपकी पदोन्नत के साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। यदि आप राजनीति में हैं तो आज आपको राजनीतिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है और आज आपको खेल जगत से भी लाभ मिलेगा। आज आपको पुरस्कार मिल सकता है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आपकी अधूरी हैं आज पूरी होते हुए दिख रहा है। तो आज का दिन आपके लिए चतुर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने को टास्क ओरिएंटेड फोकस होकर के कार्य करना है। फोकस नहीं हो पाते, आपका इधर उधर दिमाग भटकता है तो उसको भटकने नहीं देना है। और आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है। ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और गौशाला में जाके गाय को हरा चारा जरूर खिलावें। और आज आपके लिए शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है सी ग्रीन। हरे कृष्ण।